हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में जिम जल्दी से खुल सकते हैं, इस पर क्या फैसला आया है वो हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। काफी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दिल्ली में जिम कब से खुलेंगे, क्या होंगे गाइडलाइंस और कब तक खुलने की उम्मीद है। तो जिम को लेकर दिल्ली जिम एसोसिएशन और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई है, तो क्या फैसला लिया गया इस मुलाकात में, इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में जिम जल्द ही फिर से खुलने की संभावना है। दिल्ली जिम एसोसिएशन ने बुधवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की है और एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चिराग सेठी ने कहा कि हमने बुधवार मुख्यमंत्री से मुलाकात की और बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने हमसे वादा किया है कि अगले सप्ताह से जिम खोलने की अनुमति दी जाएगी, तो यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब अगले वीक की गाइडलाइंस आएंगी दिल्ली के लिए अनलॉक गाइडलाइंस, उसमें जिम को भी राहत मिलेगी। जिम है जिनके पास, वो उनको राहत मिलेगी और जिम खोलने के निर्देश दिए जाएंगे। हालांकि इस पर दिल्ली की सरकार की ओर से तत्काल कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में फिटनेस उद्योग के 3 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें श्री सेठी और इंडिया एक्टिव के 2 सदस्य शामिल थे, जो कि एक एनजीओ है जो राष्ट्रीय स्तर पर फिटनेस उद्योग की तत्काल और दीर्घकालिक समस्याओं को संबोधित करती है। तो कैसे शुरू हुआ मामला? दिल्ली जिम एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, जिसमें कि सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया में अगले चरण में जिम खोलने की अनुमति देने का अनुरोध किया। जिम 17 अप्रैल को बंद होने वाली पहली संस्थाओं में से थे और पिछले साल लॉकडाउन के दौरान उन्हें 6 महीने के लिए भी बंद कर दिया गया था। एसोसिएशन ने कहा, देरी से खुलने से 5,500 से अधिक के मालिकों के लिए बड़ा संकट होगा। राजधानी भर में जिम, योग स्टूडियो और व्यक्तिगत प्रशिक्षण स्टूडियो। पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 मामलों की संख्या घटने के साथ दिल्ली ने एक चरणबद्ध अनलॉक प्रक्रिया देखी, जिसके तहत अन्य सेवाओं के साथ कारखानों, बाजारों और सैलून को धीरे धीरे संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई। हालांकि जिम अभी भी बंद है, बाकी काफी सारी चीजें हैं जिनको मिली। होटल रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं, शराब की दुकानें खुली हैं, लेकिन जिम अभी तक बंद है। श्री शेट्टी के अनुसार पिछले 14 महीने में फिटनेस उद्योग को भारी झटका लगा है। कई जिम मालिकों को दुकान तक बंद करनी पड़ी और मजबूर होकर अपने उपकरण भी बेचने पड़े। पिछले साल लॉकडाउन होने के 14 महीनों में से जिम 8 महीने बंद रहा, लेकिन जिम मालिकों को बिजली, पानी और किराए के साथ साथ कर्मचारियों का वेतन भी देना पड़ा। तो अब कई जिम ऐसे हैं जो कर्ज में डूब चुके हैं और उन्हें खाली करनी पड़ रही है, क्योंकि मकान मालिक किराए के लिए दबाव बना रहे हैं और मालिकों के फोन आते हैं कि वे अपने उपकरण बेचना चाहते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रखी गई और उनसे अनुरोध किया गया कि अगले गाइडलाइंस में जो जिम है उनको जल्दी से जल्दी खोला जाए। तो मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि अगले गाइडलाइंस में जिम खोलने की उम्मीद हो सकती है, जिम अगले गाइडलाइंस से खोले जाएंगे। तो देखते हैं, इस फैसले पर सरकार की ओर से अभी कोई फैसला आया नहीं है, लेकिन उम्मीद पूरी है कि बैठक हो गई है तो अगले गाइडलाइंस से हमें जिम के खोलने के आदेश मिल सकते हैं। तो ये थे दोस्तों अपडेट। इसी तरीके के हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।